वेलकम टू एवरीवन। बच्चों आज के क्लास में आपका स्वागत है। आइए बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राइट नंबर नेम। क्लास 5 के बुक में है ये क्वेश्चन। बच्चों 6 डिजिट का नंबर नेम हम लोग आज सीखेंगे। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में होंगे, आपको अगर नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। और इस नंबर को सीखने के लिए जैसा कि हमने बताया है पहले भी कि मैथ की सभी टॉपिक एक दूसरे से लिंक रहती है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा लिंक है प्लेस वैल्यू चार्ट से। थोड़ा सा उसकी अगर आप थोड़ा मदद लेते हैं तो आपकी इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी और कंसेप्ट से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। कंसेप्ट रहने के कारण ही आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कंसेप्ट इज अ पावर, कंसेप्ट ही आपको स्ट्रांग बनाएगा पढ़ाई में। तो आइए बच्चों हम लोग इसको देखते हैं। बच्चों जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर है। इसके बारे में मान लीजिए कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हमने आज तक पढ़ा ही नहीं, लेकिन अब नहीं पढ़ा तो 6 डिजिट का नंबर तो हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे। पहले हम 1 डिजिट का पढ़ेंगे, 2 डिजिट पढ़ेंगे, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, इसके बाद ही 6 डिजिट पे आएंगे। तो सेम ट्रिक से हम लोग बनाएंगे, जैसे कि हम लोग 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट पर आए हैं, तो उसी तरह से हम लोग बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, आसानी से हम लोग समझेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हम प्लेस वैल्यू का यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं। बच्चों जैसा कि प्लेस वैल्यू आपको हमने बताया था, ये हमारी वंस फैमिली है, ये हमारी थाउजेंड फैमिली है, ये हमारी लैक्स फैमिली है। वंस फैमिली में 3 मेंबर्स होते हैं, वंस 1000, थाउजेंड फैमिली में 2 मेंबर्स होते हैं, थाउजेंड 10000, लैक्स फैमिली में 2 मेंबर है, लैक्स और 10 लाख। लेकिन हमको अभी प्रेजेंट टाइम में इस मेंबर का यूज नहीं है, इस मेंबर का हमको कोई यूज नहीं है, हमको यहीं तक, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 आप देखे होंगे कि यहीं पर 6 खत्म हो जाती है। और जब भी हम 7 डिजिट का नंबर पढ़ने जाएंगे तो हमको इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने आज इसको यहाँ पे काट दिया है, क्योंकि आपकी हमें जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत हमें नेक्स्ट क्लास में होगी, हम आपको जब नेक्स्ट जरूरत क्लास में जरूरत पड़ेगी तो आपको हम लेकर के यहाँ पर बनाएंगे। ओके आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं वंस फैमिली, थाउजेंड फैमिली, लैक्स फैमिली, इसी तरह से इस नंबर को भी हम यहाँ पर कोमा दिए हुए हैं, जो आप लोगों को पहले भी हम प्लेस वैल्यू में बताए हुए हैं कि ये वंस फैमिली के मेंबर है, ये थाउजेंड फैमिली के मेंबर है और ये लैक्स फैमिली के मेंबर है। वंस फैमिली में 3 मेंबर्स है। तो बच्चों आज हम लोग नंबर नेम लिखने के लिए ये सभी नंबर को हम अब उनके फैमिली के पास पहुंचा देते हैं। कौन से नंबर किस फैमिली में है, तो देखिए 256 जो आपका है ये वंस फैमिली में है, 74 जो है ये थाउजेंड फैमिली में है, और 3 जो है हमारा लैक्स फैमिली में है। हम इसको नंबर को अपने अपने फैमिली के पास रख दिया। अब बच्चों यहीं से हम लोग माइंड को अप्लाई करेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे बच्चों यहां पर आपको दिख क्या रहा है, 3, तो हमने यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 3। अब ये किस फैमिली से है, लैक्स फैमिली से, तो बच्चों यहां पर हम लोग लिखेंगे लैक, 3 लैक। अब यहां पर बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है, 74, हम इसको नहीं देखेंगे, अब इसको देखेंगे 74। तो बच्चों यहां पर आइए हम लोग लिखते हैं 74। जैसे ही हम यहां पे 74 लिख दिए तो हम देख रहे हैं कि ये किस फैमिली से है, ये थाउजेंड फैमिली से है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे थाउजेंड। ओके बच्चों अब देखना है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच गया ये किस फैमिली से है, वंस फैमिली से है, ये इसमें 3 मेंबर्स है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि इतना ही नंबर दिया जाए लिखने के लिए, सिर्फ इतना ही आप जितना देख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 256, जो कि आपको 3 डिजिट नंबर नेम में लिखने के लिए सिखाया गया होगा, तो सीधे इसको यहां पर ला करके लिख देना है 256। बच्चों ये हमारा डन हो गया। बच्चों देखे कितने आसान से हम लोग इसको बना लिए, हमने सीधे क्या किया, आइए हम एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं आपको। बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले हम नंबर को अपने उनके फैमिली के पास रख दिए, कौन से नंबर किस फैमिली का है, ये हम लोग करने के बाद सीधे हम लोग क्या किए, जो जिस फैमिली का है उसके साथ उस फैमिली का नेम लिख दिए हैं। तो जैसे 3 के साथ लैक्स है तो 3 लैक, 74 के साथ थाउजेंड है तो 74,000, और ये नंबर 256 है, 256 हमारा कंप्लीट हो गया, है ना बच्चों, सिंपल। आइए नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। बच्चों उसी तरह से सेम वे से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं।
बच्चों कंसेप्ट क्लियर कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, पूरे होल लाइफ में प्रॉब्लम कभी नहीं होगी आपको। और एक बार आप पढ़ेंगे इसको, दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इस बात का आप ध्यान देंगे, ध्यान से आप देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, फिर सेम प्रोसेस है। आप लोग जब बच्चे बनाएंगे, अगर आप लोग को आता है, अगर आप लोग को ये आ गया, तब तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको ये माइंड में इसको सेट कर लेना है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आज तक जानते नहीं थे, आज तक सीखे नहीं थे, उन बच्चों के लिए है जो सीखे थे प्लस पर उनसे गलतियां हो जाती थी, उन बच्चों के लिए एक टेबल का हेल्प लेकर के वो बनाएंगे। जैसे ही 10-15 क्वेश्चन की 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैसे उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इस टेबल को हम लोग इरेज कर देंगे, अभी हम लोग इरेज करने वाले हैं कुछ देर के बाद। आइए हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है, में उसी तरह से हम लोग करते हैं, 426 को अपने फैमिली के पास हम रख दिए, 23 जिस फैमिली का है उस फैमिली के बॉक्स में रख दिए, 1 जिस फैमिली का है उस फैमिली में उसको भी हम रख दिए। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1, तो हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे 1। अब हम यहाँ पर हम देख रहे हैं लैक, लैक फैमिली से है, लैक लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों है 23, तो इसको हम लोग 23 लिखेंगे। ओके, ये किस फैमिली से है, 1000 फैमिली से है, और ये हमारा रेस्ट है कितना, 426। बच्चों ये भी हमारा क्लियर हो गया, अब आप लोग शायद समझ गए होंगे। चलिए नहीं समझे हैं कोई बात नहीं है, अगर समझ गए हैं तो ओपन कीजिए अपना बुक, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। नहीं समझे हैं आप वीडियो को देखिए अभी और थोड़ा सा। आइए बच्चों देखिए, यहां पर ये हमारा, अब हम लोग को इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब हम लोग अपने माइंड में बनाएंगे, अब हम लोग अपने बच्चों माइंड में बनाएंगे। ये हमारा लैक्स फैमिली में है, तो हम यहां पर लिखेंगे 5 लैक्स, सिंपली आप देखेंगे। ये हमारा 82 जो है 1000 फैमिली से है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पहले 82,000। अब हमारा यहां पर है ये 400 वंस फैमिली का है, तो हम लोग सीधे लिखेंगे 400। बच्चों आप लोग अब क्लियर हो गया। आइए सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, 7 लैक्स फैमिली से है। यहां पर कुछ नहीं है बच्चों, एक अक्सर एग्जाम में देखा गया है, आपको इस तरह का नंबर दे दिया जाए तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पर 0 0 मीन्स नथिंग, तो आपको छोड़ देना है 7 लैक। अब यहां पर क्या है 239, तो आपको सीधे यहां से स्टार्ट करना है 239। आइए बच्चों इस तरह का एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि यहां पर है इस तरह के नंबर में क्या होगा, एनी टाइम 7 ही मैं ले लेता हूं, 6। आइए हम लोग देखते हैं 625,000। कंप्लीट 0 0, नथिंग, कुछ नहीं करना है इसको, इसको आपको 0 मींस कुछ नहीं, अगर यहां पे कोई डिजिट नहीं है। अगर देखिए अब इस तरह एक एक एग्जांपल आप देखिए, ध्यान से देखिए 420,005। अब इसको क्या करना है, सीधे यहां पर 400,000 नोट कर देना है, 20,000 फैमिली से है 20। समझ में आई बात बच्चों, अगर ये 5 यहां से यहां आ जाए, देखिए सेम एग्जांपल हम लिख रहे हैं आपको, देखिए ये 5 को हम यहां पर दे दिए, तो इसको क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे 420,000 50। आई होप कि बच्चों आप लोग को अब किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी 6 डिजिट नंबर का नेम लिखने में। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है अभी भी बच्चों, तो अगर कोई भी नंबर का आप नेम नहीं लिख पा रहे हैं,
तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आए, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको उसका आपको आंसर देंगे। दूसरी बात बच्चों, आप सबसे पहले अपने बुक को ओपन कीजिए। इस टाइप्स के जितने भी प्रॉब्लम है ये एक्चुअल में क्लास 5 और क्लास 6 के बच्चों के लिए है। क्लास 5 और 6 के बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं आपके आपके पास उसको आप एक बार बना लीजिए। और बच्चों मैं जैसा कि एक बात मैं आपको बता दूं कि ये स्टेप्स के क्वेश्चन अगर आप 100-200 प्रैक्टिस करना चाहते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट फुल्ली क्लियर हो जाए और आपको कभी भी कोई भी तरह की हेजिटेशन ना हो, तो उसके लिए बच्चों आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। हमारे पास इस टॉपिक पर लगभग 10 पेज वर्कशीट है जो आपको हम दे सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और हमसे आप वर्कशीट लीजिए और अपने माइंड को फुल्ली क्लीन कीजिए। कोई कंसेप्ट क्लियर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कहीं से डाउट, कंसेप्ट फुल्ली क्लियर आपका होना चाहिए। इसके लिए आप हमसे संपर्क करिए कीजिएगा और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। बच्चों इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7 डिजिट के नंबर का नेम लिखने जा रहे हैं, जिस जो भी सेम पैटर्न पे है, कुछ नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो इसको करने के बाद आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिए एक बार हमारा दूसरे क्लास में आइए, दूसरे क्लास में उस वीडियो को देखिए, समझिए और अपने प्रॉब्लम को खत्म कीजिए। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।